यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फॉल्स वोटर है, यहाँ के जो वोटर हैं जी उनको वोट देने, वोटर हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। और एक दो की बात नहीं करेंगे हम, 300 वोटर की बात करेंगे। आप पता कर सकते हैं कि वार्ड 14 में एक घर में कितने वोट हैं, समझे कि नहीं? चार हैं, तीन का नाम गायब। मैडम इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को करवाई गई है या फिर आला अधिकारी पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई? पदाधिकारी को सूचना दी गई है लेकिन ये 15 दिन में पदाधिकारी क्या करेंगे? पटना नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का नामांकन का दौर जारी है। आज इसी कड़ी में पटना के वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद प्रत्याशी पूनम रानी ने अपना नामांकन किया। वहीं वार्ड नंबर 14 की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 14 की स्थिति बद से बदतर है। एक ओर इस वार्ड में कहीं सड़क है तो कहीं नदारत है, वहीं सड़कों पर कचरे का अंबार हर जगह देखा जा रहा है। यूं कहें तो वार्ड नंबर 14 में रह रहे लोगों को सड़क पर पड़े कचरे में जीने की मजबूरी है। अगर वार्ड नंबर 14 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 14 की स्थिति, राजपूताना के लोग पिछले कई सालों से इस नरकीय जीवन में जीने को मजबूर हैं। वहीं वार्ड नंबर 14 की स्थिति, अकलू चौक सरिस्ताबाद पछियारी पुरवारी टोला, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा जहां कचरे का अंबार ना हो। वहीं जल जमाव की स्थिति पर बात करें तो लगभग इस वार्ड के सभी गली मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति साफ देखी जा सकती है। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो यहाँ के कई लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं। कई ऐसे भी हैं जिन्हें के पास राशन कार्ड भी नहीं है, कई सरकारी योजनाओं से महरूम हैं। वहीं वार्ड नंबर 14 के भावी प्रत्याशी पूनम रानी ने कहा कि अगर मुझे इस बार जनता मौका देती है तो मैं वार्ड नंबर 14 की स्थिति बदल दूंगी। वार्ड नंबर 14 के वोटरों के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करना मेरी पहली महत्वाकांक्षा होगी। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर गंदगी के अंबार तक, सरकारी योजनाओं से लेकर जल जमाव तक के सभी समस्याओं को दूर करने मैं वार्ड नंबर 14 के जनता से वादा करती हूँ। उन्होंने कहा कि पिछली बार जनता की सेवा करने का मौका से मैं वंचित रह गई थी, पर इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 14 की जनता हमें मौका देगी और मैं उनके द्वारा किए गए हर वादों पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। क्या कुछ समस्याओं को लेकर आज क्या लगता है कि इस बार जनता किस रूप में आपको देखेगी? जनता तो मुझे बहुत अच्छे से देखेगी क्योंकि जो वार्ड 14 में जो समस्याएं हैं वो बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं, तो उसे मैं पूरा करने का काम करूंगी। कल ही मैं नॉमिनेशन, कुछ कमियां नजर आ रही है वार्ड 14 में, क्या कुछ कमियां नजर आ रही है? कमियां तो बहुत ही ज्यादा है। मैं नॉमिनेशन के लिए जब निकली थी तो यहाँ इतना ना ज्यादा गंदगी का अंबार है, रोड जो पूरा कूड़ा हुआ है हर जगह, सरिस्ताबाद आप चले जाइए आप जा नहीं सकते। अगर फिर राजपूताना की तरफ चले जाइए आप तो वहाँ भी आप नहीं जा सकते हैं। वैसा ऐसा जगह है कि यहाँ पे इतना ना भेदभाव से काम किया गया है कि रोड तो बना है लेकिन उस रोड को आगे गली से जोड़ने का काम करना चाहिए, वो सब काम नहीं हुआ है। क्या लगता है सरकारी योजनाओं की अगर बात किया जाए मैम, तो वार्ड नंबर 14 के जनता के बीच में सरकारी योजना पहुँचा है? सरकार ने तो अपना योजना ला दिया लेकिन एक प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि जन समस्याओं के कल्याण के लिए जनता से संपर्क में रहकर क्या समस्याएं हैं उस पर पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि मेरे हम जिस वार्ड में रह रहे हैं उसको कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। तो जब आप हैं समाज में हैं, जिस वार्ड में आपको जनता जिता करके ले जाती है, अपनी लाती है, तो आप बहुत उम्मीद के साथ लाती है कि आप उनके लिए खरे उतरे, ना बिना भेदभाव का काम किया जाना चाहिए। इस बार क्या लग रही है वार्ड 14 की जनता क्या चाहती है, जिस तरह से जो वर्तमान पार्षद यहाँ पर रहे और जो नलजल की अगर बात किया जाए, कचरा की बात किया जाए, सड़क की बात किया जाए, तो अभी तक उन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं किया। इस बार क्या जनता का सोच क्या लग रही है कि इस बार रुझान में क्या कुछ आएगी? जनता पहले भी बदलाव चाहती थी, आज भी बदलाव चाहती थी और पहले की तरह मेरा इरादा साफ और स्पष्ट है, यह है कि जनता बदलाव चाहती है लेकिन बदलाव कैसे होगा? यहाँ बहुत सारे वोटर हैं
आज हम मतदाता सूची पलट रहे हैं तो यहाँ से 300 वोट न्यू अलकापुरी पड़ता है आपको, वैसा वैसा बहुत सारा है, बस थोड़ा समय देखिए। इस बार जनता का रुझान लग रही है, कहाँ गए वो? इस बार जनता का रुझान लग रही है आपकी तरफ? पहले भी जनता मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी और इस बार भी जनता मुझे सपोर्ट करेगी। मैडम ये यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कई ऐसे वोटर जो है जिनका वोट जो है उनका अधिकार छीन लिया गया है, कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत पाया जा रहा है कि कई फॉल्स वोटरों का भी यहाँ पे नाम जोड़ा गया है, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फॉल्स वोटर है, यहाँ के जो वोटर हैं जी उनको वोट देने, वोटर हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, और एक दो की बात नहीं करेंगे हम, 300 वोटर की बात करेंगे। आप पता कर सकते हैं कि वार्ड 14 में एक घर में कितने वोट हैं, समझे कि नहीं? चार हैं, तीन का नाम गायब। मैडम इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को करवाई गई है या फिर आला अधिकारी पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है? पदाधिकारी को सूचना दी गई है लेकिन ये 15 दिन में पदाधिकारी क्या करेंगे? वो वोटर का कहाँ गए? और वोट भी कास्ट होगा, वो कहाँ से वोट आएगा? ये पदाधिकारी कब करेंगे? शुरू से पहले से होते आया है ये सब। अगर इस बार मौका देती है जनता आपको, जीतने का मौका देती है, तो क्या लगता है कि सारे समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा? मैं पूरे ईमानदारी से सारे समस्याओं का समाधान करने का कोशिश जरूर करूंगी। वार्ड नंबर 14 के जनता के लिए कोई पैगाम है मैडम? वार्ड 14 की जनता को मैं यही कहूँ।